सनी लियोनी से लेकर प्रीति जिंटा तक जब बिना प्रेगनेंसी के मां बनी ये छह बॉलीवुड एक्ट्रेसेस। बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेस सनी लियोनी आखिरकार मां बन गई हैं। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सनी ने बताया कि उन्होंने कुछ वक्त पहले ही 21 महीने की बच्ची को गोद लिया है। सनी ने महाराष्ट्र के लातूर जिले से बच्ची को अडॉप्ट किया है और उसका नाम निशा कौर वेबर रखा है। सनी के इस फैसले की हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। सनी से पहले भी बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस मां बनने के लिए बच्चे अडॉप्ट कर चुकी हैं। इस लिस्ट में प्रीति जिंटा से लेकर सुष्मिता सेन जैसी एक्ट्रेसेस के नाम भी शामिल हैं। प्रीति जिंटा बच्चे गोद लेने के मामले में सबसे आगे हैं। साल 2009 में अपने 34वें बर्थडे पर उन्होंने ऋषिकेश से एक या दो नहीं बल्कि 34 अनाथ बच्चियों को एक साथ गोद लिया। वे अपने बर्थडे के मौके पर गोद लेगी। इन बच्चियों के पालन पोषण और शिक्षा पर बराबर ध्यान दे रही हैं। सुष्मिता सेन बॉलीवुड की बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस। सुष्मिता सेन ने दो बेटियों को गोद लिया है। 41 साल की सुष्मिता आज रेने 2000 कम्मल और आलिशा 2010 की सिंगल पेरेंट हैं। रवीना टंडन। रवीना जब 21 साल की थी तो उन्होंने छाया और पूजा नाम की दो लड़कियों को गोद लिया था। आज उनकी दोनों बेटियां बड़ी हो चुकी हैं और अपने पैरों पर खड़ी हैं। शोभना साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस और मशहूर भरतनाट्यम डांसर शोभना ने साल 2010 में एक बच्ची को गोद लिया था जिसका नाम अनंत नारायणी रखा। नीलम एक्ट्रेस नीलम कोठारी ने साल 2011 में टीवी एक्टर समीर सोनी से शादी की और ठीक दो साल बाद उन्होंने एक आहना नाम की एक बच्ची को गोद लिया।